तो गाइस फाइनली पूरे के पूरे एक महीने के बाद आज मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बैठा हूँ। अब एक महीने इसलिए हो गया क्योंकि भाई मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था एंड एग्जाम्स भी चालू हो गए थे ना, तो दिक्कत हो गई थी। बट हाँ, अभी ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक खतरनाक वीडियोज आने वाली है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो भाई सब लाइक वाला बटन दबाना और सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा देना। बाकी यार यहाँ पर ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर दिया है अपने सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर। मैंने यहाँ पर अपना गेम ओपन करके बाहर चला गया था एंड यहाँ पर जो ये सामने आपको विलेज दिख पा रहा है ना, जिस घर के अंदर हूँ मैं, यहाँ पर रेड स्टार्ट हो गई थी। एंड जैसे यहाँ पर रेड स्टार्ट हुई ना, सारे बंदे जो है वो मेरे को मारने लग गए थे एंड मेरे को कुछ भी नहीं पता था क्योंकि मैं तो बाहर चला गया था ना गेम ओपन करके। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी है मैंने भाई, तुम विश्वास नहीं करोगे, मेरे पास पूरा फुल डायमंड का आर्मर था, ठीक है ना, अभी वो पूरा जा चुका है, सारा डिस्पॉन हो चुका है भाई। तुम समझ रहे हो? नहीं समझ रहे ना भाई तुम? यार इतनी बड़ी दिक्कत हो गई है ना कि मैं बता भी नहीं सकता आपको, यार क्या ही करूँ मैं। ये देख रहो, ये अपना विलेज है, मतलब अपना ही है विलेज। एंड जैसे ही हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं ना, यहाँ पर प्लेजर टावर मिल जाता है। तुम समझ रहे हो? विलेज के इतना पास में ये प्लेजर टावर कैसे हो सकता है, कोई मुझे बताएगा? यहाँ पर विलेज है और यहाँ पर प्लेजर टावर है। भाई मेरे से ज़्यादा गंदा किस्मत किस बंदे की हो सकती है, तुम नहीं समझ रहे ना भाई। अभी हम यहाँ से सीधा नीचे उतरते हैं क्योंकि मैं अपने घर के पास जाने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, तो यार सीधा अपने घर के पास निकलते हैं। यहाँ पर मैं एक मिनट भी रुकना नहीं चाहता, ठीक है। मेरे को ना अब दुख इस बात की हो रही है ना कि मेरे पास जितना भी डायमंड का आर्मर था वो अपने हाथ से जा चुका है एंड वो मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, जो कि एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो चुकी है। गाइज फटाफट अपने घर के पास चलते हैं, थोड़ा बहुत खाना इस विलेज के अंदर बचा हुआ है ये खाते हैं और अपने घर पे चलते हैं जहाँ पर मैंने घर बनाया था, ठीक है। अभी मैं इस विलेज में इसलिए आया था, यहाँ पर थोड़ा बहुत घूमने के लिए आया था, विलेजर्स देखने आया था एंड थोड़ा बहुत लूट वगैरह मचाने आया था, बट यहाँ पर अपने साथ गलत ही सीन हो गया यार। अभी मुझे यहाँ पर पूरा डायमंड का आर्मर दोबारा से बनाना पड़ेगा। एंड आपने अगर लाइव स्ट्रीम देखी है ना तो आपको पता होगा मेरे पास एक डायमंड की पिकैक्स भी थी, जिसके अंदर ना मैंने शायद से अनब्रेकिंग 3 लगाया था एंड वो भी अपने हाथ से जा चुका है। भाई जो पिकैक्स गई है ना भाई, उसके अंदर गंदा वाला दुख हो रहा है, तुम विश्वास भी नहीं करोगे। उस वाले पिकैक्स के अंदर भाई अनब्रेकिंग 3 लगाई थी यार मैंने, तुम समझ रहे हो कितनी ज़्यादा बढ़िया चीज़ थी वो, जो कि यार अभी जा चुका है। कोई बात थी गाइज, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, हम लोग अपने घर के पास पहुँच चुके हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा विलेजर टाउन बनाया था जिसके अंदर हम लोग ट्रेड वगैरह कर सके। अभी तो यार फटाफट अपने घर के अंदर चलते और चलकर सो जाते, नहीं तो भाई ये जो क्रीपर दिख रहे हैं ना आपको, ये लपेट देने वाले मेरे को, मजाक भी नहीं कर रहा। फटाफट निकलते हैं एंड चल कर यहाँ पर सो जाते हैं आराम से। गुड मॉर्निंग गाइज, यहाँ पर सुबह हो चुकी है, फटाफट बाहर चलते। ओ माय, अपनी ज़िंदगी में मैं क्या करूँ यार, भाई मुंह के पास क्रीपर आ गया था, मैं क्या करूँ उसमें यार, इन लोगों ने पूरा गंद मचा ही दिया है तो मेरे को साफ भी करना पड़ेगा भाई, पूरे घर की नास पीट डाली ब्रो भाई, इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है ना भाई। बट कोई बात नहीं, यहाँ पर ट्राइडेंट अपने पास काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है, सारा आयरन भी बहुत कम है यार मेरे पास, मैं आर्मर भी नहीं बना सकता भाई, अब इतना ज़्यादा गरीब हो चुका हूँ ना, आयरन का आर्मर भी नहीं बना सकता यार। अब इस बार ना मैं बिल्कुल भी डायमंड माइन करने नहीं जाने वाला जब तक मेरे पास फॉर्चून 3 की पिकैक्स नहीं आ जाती, ठीक है। जब तक मेरे पास यहाँ पर फॉर्चून 3 की पिकैक्स नहीं होती, मैं यहाँ पर डायमंड माइन नहीं करने वाला, सीधा फॉर्चून 3 का पिकैक्स लेंगे और डायमंड माइन करने के लिए जाएंगे। अब यार ये सारी चीज़ें ना मैंने लाइव स्ट्रीम के अंदर कंप्लीट करी थी, जो कि शायद से आपने नहीं देखी होगी क्योंकि आप लोग लाइव स्ट्रीम नहीं देखते थे, मेरे को पता है भाई, बहुत कम व्यूज आते थे यार, रोना आता था वहाँ पर, तुम लोग नहीं आते थे तो। पर ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत ग्लास ना और लगाना बाकी है, जो कि मैं आगे लगा देने वाला हूँ। अभी के लिए यार अपने पास यहाँ पर काफ़ी सारे विलेजर्स पड़े हुए हैं, तो इनको भी मेरे को भाई ब्रीड करवा कर बढ़ाना पड़ेगा, यू नो। तो गाइज अभी के लिए तो बाहर निकलते हैं एंड फटाफट काम करते हैं, अपने लिए खाना निकालते हैं, नहीं तो भाई मैं भूखा मर जाऊँगा यार यहाँ पर। तो खाने के अंदर हम लोग यहाँ पर खाने वाले हैं ब्रेड बनाकर फटाफट, यहाँ पर जितना भी ये
वीट है ना, इसको निकालते हैं एंड अपने लिए बहुत सारी ब्रेड बनाते हैं। भाई साहब यहाँ पर तो कैरेट्स भी हो चुके हैं, तो ये भी मेरे को काटना पड़ेगा। ओके गाइस, तो फाइनली यहाँ पर मैंने 14 ब्रेड बना लिए, जो कि अभी के लिए इतना काफ़ी होने वाला है। अभी यार एक काम करते हैं, ये जितना भी ये फार्मिंग देख पा रहा हूँ ना, इसको काट करके दोबारा से लगाते हैं ताकि पैसा कमा सकें हम लोग। अपने पास पैसा की बहुत ज़्यादा कमी है। तो गाइस जैसा कि आपको याद होगा, जब मैंने ये वाला सर्वाइवल वर्ल्ड स्टार्ट किया था ना, तो यहाँ पर पूरा जंगल था। ये जो एरिया देख पा रहे हो ना, यहाँ पर इतने सारे पेड़ थे कि तुम सोच भी नहीं सकते। अगर आपने फर्स्ट वाला एपिसोड देखा है तो आपको याद होगा। तो यार जैसा कि आप लोग देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा एरिया मैंने साफ कर दिया था यहाँ पर बैठ कर। तो यहाँ पर ना मेरे पास बहुत सारा ओक प्लैंक्स भी है, जो कि मैंने चेस्ट के अंदर रखा हुआ है। लाइव स्ट्रीम अगर आप देखते थे तो आपको याद होगा, बट अगर आप नहीं देखते थे तो आपको याद बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरे पास शायद से 3 स्टैक पड़ा हुआ था, और मैंने बेवकूफ़ी की तरह भाई एक स्टैक अपने पास रखा हुआ था, वो भी अपने हाथ से जा चुका है। बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा वुड निकालते हैं एंड अपने लिए ना यहाँ पर एक चीज़ बनाते हैं ब्रो, ठीक है। सबसे पहले मुझे काफ़ी सारा स्टिक चाहिए होगा एंड मुझे यहाँ पर एक होय चाहिए होगा। इसको निकालते और चलकर ना, थोड़ा बहुत एरिया ख़राब हो चुका है वहाँ पर, उसको सही करते हैं। ऑल डन। तो यहाँ पर जितना भी फालतू का एरिया था ना, वो मैंने क्लियर कर दिया है एंड अभी यहाँ पर हम लोग मस्त करके ये जितना भी पोटैटो है ना, ये लगा सकते हैं। फटाफट लगाना शुरू करते हैं, 2 मिनट के अंदर मिलता हूँ मैं आपको ये पूरा लगा कर। तो गाइस यार काम करते करते यहाँ पर दोबारा से रात हो चुकी है एंड मेरे पूरे खेत के अंदर जितना भी सीड था ना, वो लगा डाला है। एंड अगली बार जो है ना, अपने को बहुत सारा सामान मिलने वाला है इसके अंदर से भाई, बहुत सारा कैरोट्स एंड पोटैटोस मिलने वाले हैं। अगली बार हम लोग यहाँ पर अमीर होने वाले हैं, अंबानी बन जाएंगे। मजाक से हटके बोल रहा हूँ भाई, इतना सारा हमको यहाँ पर कैरोट्स एंड पोटैटोस मिलने वाले हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, यहाँ पर दोबारा से सुबह हो चुकी है एंड हम लोग यहाँ पर अपने घर से बाहर निकल चुके हैं। एंड गाइज अब यहाँ से फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये मेरी प्यारी कैट है, इसका नाम मैं क्या रखूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा। एंड वेट, शायद से मेरे पास ना एक नेम टैग था, जहाँ तक मुझे याद है। लाइव स्ट्रीम के अंदर ना यहाँ पर मैं फिश पकड़ रहा था, तो अचानक से मेरे को ना वहाँ पर एक नेम टैग दिखा था। मैं चल कर देखता हूँ, अगर वो पड़ा होगा ना तो मज़ा आ जाने वाला है, बट मुझे नहीं लगता भाई वो मेरे पास है। शायद से मैंने अपने इन्वेंटरी के अंदर ही उसको छोड़ दिया था, वो भी अभी ख़त्म हो चुका है, अपने पास सारा सामान जा चुका है ब्रो। अभी तो यार यहाँ से फटाफट अंदर चलते हैं और चलकर ना इनको थोड़ा बहुत ये देख, नल्ले विलेजर देख रहे हो तुम भाई, यहाँ पर मस्त सुबह हो चुकी है, इनको अभी भी सोना है, तुम समझ रहे हो भाई, ये क्या ही नल्ला विलेजर है। अभी तो यार थोड़ा बहुत ना इनको खाना दे देते हैं, ताकि भाई ये यू नो थोड़ा बहुत ये लोग बच्चे वगैरह यहाँ पर आ सके। तो गाइस मुझे ना यहाँ पर लगता है, वेट पहले इसको बंद करो, मुझे ना यहाँ पर भाई लाइब्रेरियन चाहिए, जो कि मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है कहाँ पर मिलने वाला है। मतलब लाइब्रेरियन मिलने थोड़ी वाला यार, वो मेरे को बनाने पड़ेगा लैक्टन। तो लैक्टन बनाने के लिए मेरे को चाहिए होगा बहुत सारा शुगर केन एंड बहुत सारा लेदर, जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, दो शुगर केन यहाँ पर मेरे को मिला था उस तरफ को, तो वहाँ से लेकर आया हूँ मैं। अभी अपने पास ना बहुत ज़्यादा कम है यार, मेरे को इसको धीरे धीरे करके ना ऐसा लगाना पड़ेगा, ताकि ये बहुत सारा हो एंड अपने को बहुत सारा शुगर केन मिल सके, जिससे हम लोग पेपर बना सके, समझ रहे हो। तो गाइज एक काम करते हैं, अपने लिए ना एक नॉर्मल टूल्स वगैरह बना लेते हैं आयरन की, नहीं तो भाई यहाँ पर कोई भी आकर लपेट देने वाला है मेरे को, मजाक नहीं कर रहा। मैंने अभी तक तो कुछ भी नहीं बनाया यार, देख लो मेरे हाथ में एक भी टूल नहीं है। फटाफट चलते हैं और बनाते हैं। वेट इसको लपेट देता हूँ, क्योंकि भाई फूड भी तो चाहिए यार जिंदा रहने के लिए। अपने लिए यहाँ पर एक सॉर्ड बनाना है, एक्स बनाना है और पिकैक्स बनाना है, शवल भी बना ही लेते गाइज, हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं सारा सामान। तो अभी हम लोग यहाँ पर मस्त करके जी सकते इस दुनिया के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर, नहीं तो भाई कोई भी आकर लपेट देने वाला था। अब ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
हम लोग जिंदा रह सकते हैं। एंड वेट, एक चीज़ तो मैं बनाना ही भूल गया, अभी मेरे को यहाँ पर ना एक चीज़ और बनाना है, उसके लिए मेरे को दो आयरन चाहिए होंगे, मुझे इसको यहाँ एंड इसको यहाँ रखना है। एंड ये शीट्स बनकर रेडी हो चुका है गाइस, यहाँ पर मज़ा ही आ चुका है। अभी हम लोग यहाँ से फटाफट अंदर चलते हैं और चलकर ना ये जो शिप देख पा रहे हो ना, इन लोगों से वुल निकालते भाई फटाफट से। अब ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि यार बहुत सारा विलेजर्स जो है ना अपने पास आ सके, तो ये चीज़ मेरे को भाई अभी करना ही पड़ेगा, अपने पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ से थोड़ा बहुत वुड निकालते हैं एंड इससे प्लैंक्स बनाते हैं, एंड अभी हम लोग यहाँ पर बहुत सारी बेड बनाते हैं जितना भी बन पाता है। तो यार यहाँ पर मैंने काफ़ी सारा बेड तो बना लिया है, सारा निकालते हैं एंड इसको लेकर चलते हैं अपने ट्रेडिंग हॉल के अंदर, लगा देते हैं भाई इसको जाकर। ओके, तो फाइनली मैं अंदर आ चुका हूँ, अभी मेरे को ये वाला लाइट हटाना पड़ेगा एंड जितना भी बेड है ना वो हम लोग यहाँ पर लगाना शुरू कर देते हैं। तो मेरे को यहाँ पर भी लगाना है, यहाँ पर भी लगाना है, यहाँ पर भी लगाना है और यहाँ पर भी लगाना है, काफ़ी सारा बेड मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अभी मुझे ना यहाँ पर एक चीज़ और करनी है, इनको कैसे भी करके ना बहुत सारा फूड लेकर आना पड़ेगा मेरे को इनको देने के लिए, ताकि ये ब्रीड कर सकें। तो यार उसके लिए तो मेरे पास बिल्कुल भी फूड पड़ा है भाई यहाँ पर फूड, मैं तो भूल गया था यहाँ पर एक खेत मैंने और बनाया था भाई साहब, खराब ही कर डाला, कोई बात नहीं। तो इतने बड़े खेत में से भाई सिर्फ मेरे को 38 पोटैटोज मिले, बट कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। एंड काफ़ी मिल चुके, कम भी नहीं है। वैसे अपने पास फॉर्चून 3 की कोई भी टूल होता ना तो यहाँ पर भर के पोटैटोज इतने से ही खेत के अंदर मिल जाने वाले थे। तो यार इसीलिए मेरे को सबसे पहले फॉर्चून 3 वाली बुक चाहिए ही होगी कैसे भी करके, एंड मेरे को एक मेंडिंग वाली भी चाहिए होगी। ये दो चीज़ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई माइनक्राफ्ट के अंदर। अभी यार जितना भी ये मेरे को मिला है ना इनको बांट देते हैं, जितना भी खाना है ना गाइज हम लोग यहाँ पर इनको फेंक कर दे देते हैं। एंड थोड़ा मेरे को यहाँ पर छिप कर देखना पड़ेगा क्योंकि यार ये लोग ऐसे करते नहीं है। ठीक है भाई, बच्चे चाहिए जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट मत कर मेरा, यहाँ पर मजाक भी नहीं कर रहा, पेट दूंगा कर सबको। बदतमीज आदमी है यार ये लोग बिल्कुल। भाई कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से निकलते हैं, थोड़ी देर बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे एंड उसके बाद देखेंगे यहाँ पर मुझे विलेजर्स मिलते हैं या नहीं मिलते। भाई ऐसा मत बोलना कि भाई ये लोग मेरा पोटैटोस खा गए सारा का सारा। पता चला यहाँ पर भाई ये लोग पोटैटो से ब्रीड नहीं करते, सिर्फ ब्रेड से करते हैं, फिर तो यार सारा पोटैटो अपना वेस्ट हो जाएगा यार। तो गाइस अभी ना अपने पास यहाँ पर कोई भी काम नहीं बचा जिसको मैं कर सकूँ, तो एक काम करते हैं चलकर हम लोग यहाँ पर फिशिंग करते हैं। आपको पता नहीं होगा अगर भाई मैंने देखा है माइनक्राफ्ट के अंदर ना कोई भी फिशिंग नहीं करता, लेकिन मैं करता हूँ एंड मुझे पता है उससे बहुत ज़्यादा तगड़ी चीज़ें मिलती हैं। अब जिनको नहीं पता ना वो अनब्रेकिंग 3 वाली बुक मेरे को कहाँ से मिली थी, जिसको मैंने अपने डायमंड वाले पिकस के अंदर लगाया था जो कि अभी ख़त्म भी हो चुका है, वो मेरे को फिशिंग करके मिली थी। पता है आपको, मैं यहाँ पर फिशिंग कर रहा था एंड गाइस अचानक से मुझे यहाँ पर फिशिंग करते करते मेरे को एक इंचांटेड बुक मिलती है जिसके अंदर पंच 2 और अनब्रेकिंग 3 की इंचांटमेंट लगी होती है। भाई ये देखकर मैं पागल हो जाता हूँ, मजाक भी नहीं कर रहा, बहुत ही सही चीज़ मिल गई थी मेरे को, बट मैंने वो खो दिया। भाई साहब यहाँ पर तो और भी दिक्कत हो गई, मेरे को तो एक स्ट्रिंग भी नहीं मिल रही यार जिससे मैं फिशिंग रॉड बना सकूँ। उसके लिए मेरे को दो स्ट्रिंग चाहिए होंगे जो कि यार मेरे को कहाँ पर मिलने वाले हैं कोई भी आइडिया नहीं है। एंड गाइस जिनको नहीं पता ये अपना प्यारा वाला डॉग है, जिनको नहीं पता ये लाइव स्ट्रीम के अंदर मेरे को मिला था, तो इसको मैंने टेम कर लिया था, मेरे पास बहुत सारा बोन पड़ा हुआ था। तो अभी तो मेरे को रात के अंदर ना जागना पड़ेगा क्योंकि यार मुझे स्पाइडर ढूंढ कर उनको लपेटना है यार, समझ रहे हो, मेरे को दो स्ट्रिंग चाहिए ही होंगे। एंड इन लोगों ने भी भाई अपना काम कर ही दिया है तो हम भी अपना काम कर लेते भाई, जितना भी वुल निकाल सके निकाल लेते। सुनो भाई मेरे को और भी बेड चाहिए होगा, ठीक है मुझे बस स्पाइडर चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। तू लोग यहाँ से निकल जा, बच गया। ओह माय गॉड, मैं गया यहाँ पर, प्लीज़ बोल दो दो स्ट्रिंग है। अबे यार एक ही एक, ओ नो, प्लीज़ 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 भाई रुक, अबे रुक जा भाई। भाई कोई फायदा नहीं है, चलकर सो जाओ भाई, मैं तो बोल रहा हूँ सो जाओ, कोई फायदा नहीं है यार। भाई तुम देख रहे हो कितने सारे स्केलेटन है, तुम देख रहे हो आगे भी स्केलेटन पीछे भी स्केलेटन, स्केलेटन ही स्केलेटन, पता नहीं कहाँ से इतने स्केलेटन यार। ओ माय गॉड, मैं अपना सामान कैसे वापस लूँ, रुक जा भाई ये एक सेकेंड, मेरे पास ये बोट है ना, ये अपना कब काम आएगा। बोट पे बैठते और जितना भी सामान है ना फटाफट निकालते भाई यहाँ से, मतलब उठाते हैं।
रुकना जा रहा भाई, तू रुकना, ये बंदा बहुत चौड़ा बन रहा है ना। आ जा भाई, तू गया भाई, तुझे ना अभी कोई भी नहीं बचा सकता। चौड़ में है बंदे भाई ते। भाई ट्राइडेंट वाला बंदा ये मेरे को दो शॉट कर सकता है मजाक सेट के भाई, इनसे पंगे नहीं लेने मेरे को बिल्कुल भी। तो गाइज यार आज के इस वाले वीडियो के लिए ना बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है एंड आपको पता नहीं है मेरे पास वाईफाई नहीं है तो मैं बड़ी वीडियो अपलोड नहीं कर सकता भाई, सारा नेट खत्म हो जाता है ना भाई, तो उसी वजह से आज जो अपना काम था ना भाई वो कंप्लीट नहीं हो पाया। बट अभी मैं यहाँ पर ऑफलाइन के अंदर जाकर बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर ना अगली बार आप लोग देखोगे ना तो बहुत बड़ी मतलब बहुत सारा शुगर केन होने वाला है अपने पास, वो मैं कर देने वाला हूँ ऑफ कैमरा। तो ये सारा काम मैं ऑफ कैमरा करने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो के अंदर भाई बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, समझ रहे हो तुम। बाकी यार अगली बार वीडियो के अंदर ना बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि अगली बार मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि भाई फॉर्चून थ्री तो लिया ही जाए भाई, कुछ भी करके फॉर्चून थ्री तो मैं अगली वाली वीडियो में लेकर ही रहूँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि भाई मेरे को फॉर्चून थ्री एंड मेंडिंग मिल जाए बस, और मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी यार आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वाला वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है ना तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ही कर देना यार इस वीडियो को जाकर। बाकी यार थैंक यू सो मच गाइस 500 सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए, हम लोग को 1000 सब्सक्राइबर पर भी बहुत जल्दी जाना है यार, तो आप लोग सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना, जल्दी से जल्दी हम लोग यहाँ पर 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर लेंगे। बाकी यार मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।